बात मध्य प्रदेश के किसानों की, जिन्होंने पंजाब हरियाणा के किसान आंदोलन के समर्थन में हाईवे पर चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। शिव कुमार कक्का के राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने आंदोलन की चेतावनी दी है। सरकार को चेताया है कि किसानों की मांगों को तुरंत माना जाए, नहीं तो ये आंदोलन पूरे प्रदेश में फैल जाएगा। उन्होंने 10 दिनों में मांगे पूरी नहीं होने पर मालवा सहित मध्य प्रदेश के सभी हाईवे पर चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। दिल्ली हरियाणा में किसान आंदोलन के बाद अब मध्य प्रदेश के जो किसान हैं वो भी सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अगर सरकार ने उनकी जो MSP सहित अन्य महत्वपूर्ण जो मांगे हैं अगर केंद्र सरकार के द्वारा नहीं मानी गई तो वो अब हाईवे जाम कर देंगे। हमारे साथ कुछ संगठन मंत्री किसान मजदूर महासंघ के मौजूद हैं, गोपाल पाटीदार। किस प्रकार का आप लोगों ने आज बैठक करी और क्या निर्णय? हमारा क्लियर निर्णय है, हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से किसानों के बीच जाने वाले हैं और नेशनल हाईवे पर 10 रोज के अंदर अगर सरकार अपनी बात नहीं मानती तो मध्य प्रदेश के अंदर नेशनल हाईवे मालवा के इस क्षेत्र में खरगोन जिला बड़वानी है, धार है, ये सब मिलकर दिखाएगा कि किसान का ये आंदोलन केवल पंजाब और हरियाणा का नहीं है, संपूर्ण भारत का। तो क्या ट्रैक्टर और पशुधन लेके पहुंचे? जी, हमारी तैयारी है, वो तो हमारा सदस्य है, हमारा पशुधन वो तो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, अगर केंद्र सरकार किसानों की अगर मांग नहीं मानेगी तो मध्य प्रदेश में भी हाईवे को जाम करने की तैयारी कर ली है। किसान जो बोल रहे हैं वो पशुधन और ट्रैक्टर लेकर पहुंचेंगे और पूरा हाईवे को जाम कर देंगे। तो लोकसभा चुनाव के पहले जो सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है। आशुतोष पुरोहित, News 18 खरगोन। कोंडागांव में बीजेपी क्लस्टर प्रभारियों की बैठक खत्म हो गई। अमित शाह ने इनकी बैठक ली थी। कोंडागांव से जांजगीर के लिए अब रवाना हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोंडागांव में अमित शाह ने क्लस्टर प्रभारियों की बैठक ली। लोकसभा चुनाव से पहले ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें चुनाव किस तरीके से लड़ा जाएगा, क्या रणनीति रहेगी, उसको लेकर विचार विमर्श किया गया क्लस्टर प्रभारियों के साथ अमित शाह ने। उसके बाद वो जांजगीर के लिए रवाना हो गए। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और कोंडागांव में क्लस्टर प्रभारियों के साथ बैठक खत्म करने के बाद अब अमित शाह जांजगीर के लिए रवाना हो चुके हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।